हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़र हैं। दोस्तों, पाक श्रीलंका सीरीज़ अहमद शहजाद और उमर अकमल की एंट्री यकीनी। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग अहमद शहजाद और उमर अकमल के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज़राई के मुताबिक पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ के लिए पीसीबी पीर को 19 खिलाड़ियों का ऐलान करेगा। दोस्तों, अहमद शहजाद और उमर अकमल की एंट्री यकीनी। दोस्तों, अहमद शहजाद 2 साल बाद जबकि उमर अकमल 1 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। दोस्तों, अहमद शहजाद ममना अदवियात के इस्तेमाल करने पर इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। दोस्तों, मुमकिन 19 खिलाड़ियों में अहमद शहजाद और उमर अकमल को मिसबाह हक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोस्तों, अहमद शहजाद ने आखिरी वनडे इंटरनेशनल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। दोस्तों, जबकि आखिरी T20 स्कॉटलैंड के खिलाफ 2018 में खेला था। दोस्तों, उमर अकमल ने आखिरी वनडे 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, जबकि T20 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। दोस्तों, कौमी टीम के हतमी 16 खिलाड़ियों का ऐलान 23 सितंबर को किया जाएगा। दोस्तों, क्या अहमद शहजाद और उमर अकमल को पाकिस्तानी टीम में वापस लेना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कॉमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।